नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक एम्प्लीफाई में। दोस्तों आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक आपको ऐसे धमाकेदार स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है और एक ऐसी कंपनी का स्मार्टफोन है जिसको शायद आप जो है बिलीव नहीं करोगे कि ऐसी कंपनी भी इतना ज़बरदस्त फ़ोन लॉन्च कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है और यदि सारे फीचर्स इस फ़ोन के आपने एक बार सुन लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस स्मार्टफोन को लेने में ज़रूर सोचोगे। अगर लोगे नहीं फिर भी आपके ये जो है पसंदीदा स्मार्टफोन बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है ये आपको। तो इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, सारे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना और आगे चल के वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं जो स्टार्टिंग में इसका नाम नहीं बताऊँगा, आप बीच में वीडियो में यदि गैस कर पाओ तो आप कमेंट करके इसका नाम बता देना और प्राइस यदि गैस कर पाओ तो प्राइस भी बता देना, क्योंकि नाम और प्राइस में सबसे एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.85 इंच की फुल HD 90 हर्ट्ज के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले इसको हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे प्रोसेसर लगा गेमिंग के हिसाब से। अब पबजी वगैरह, कॉल ऑफ ड्यूटी, सारे जो ये हाई एंड गेम है सारे खेल सकते हो अच्छी सेटिंग्स पर। तो प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है। 95 लेटेस्ट प्रोसेसर है लेकिन आपको इसमें G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसेंट मुझे प्रोसेसर लगा यदि आप कोई गेमिंग वगैरह करना चाहते हो। अब बात करते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरे से आप जो बैक कैमरों में 4 कैमरों का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे लगे हुए हैं। और मैं सबसे पहले बता दूं आप इससे 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और अब बता दूं दोस्तों इसके कैमरों के बारे में, तो आपको इसमें बैक में 4 कैमरों का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा कैमरा 2 और चौथा कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको ऐसा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अभी तक मैं श्योरली कह सकता हूँ कोई भी स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिला हुआ है। बल्कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं कहूँ तो इससे 2-4-5 हज़ार रुपये तक, यानी कि 25 हज़ार रुपये तक में भी ऐसा कैमरा सेटअप आपको नहीं देखने को मिला है जो कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो कैमरा सेटअप देखने को मिला है फ्रंट में वो देखने को मिला है, ड्यूल कैमरा आपको जो है फ्रंट में देखने को मिला है जिसमें पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। और 48 और 8 का कॉम्पैक्ट जो है फ्रंट में लगा हुआ है, इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी रैम एंड रोम की, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी गेम को खेलने में या फिर किसी भी ऐसी बड़ी चीज़ हो जिसको रन करने में रैम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसमें आपको रैम की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, इसमें आपको 8GB रैम देखने को मिलेगी। 8GB रैम काफ़ी ज़्यादा बड़ी रैम हो जाती है, इसमें आप पबजी तो आसानी से चला ही पाओगे बल्कि इससे भी बड़ा कोई ऐप वगैरह होगा या फिर कोई भी ऐसे रन करने वाली चीज़ होगी जो कि काफ़ी बड़ी है, आप उसे दोस्तों इसमें आसानी से रन कर पाओगे। पबजी वगैरह बिना लैग किए, बिना रैम ड्रॉप के, सब चीज़ों के आप इसमें आसानी से खेल पाओगे हाई सेटिंग्स के साथ। और यदि इसकी रोम की बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने मिलती है, तो आप कितना भी डाटा इसमें डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी एंड चार्जर की, तो बैटरी एंड चार्जर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने मिलते हैं। तो इसकी बैटरी की बात करें तो आपको 4500mAh की बैटरी देखने मिलती है, चार्जर की बात करें तो 33W का यानी 33W का फास्ट चार्जर देखने मिलता है। स्मार्टफोन जितने देरी में ख़त्म होगा उतनी जल्दी चार्ज हो जाएगा। यदि आपका स्मार्टफोन एक दिन पूरा चल जाता है 4500mAh का, तो ये चार्ज करने में मुश्किल से आधा या पौना घंटा लगाएगा, यानी कि 30 से 45 मिनट के बीच में ये फुल चार्ज कर देगा, काफ़ी ज़्यादा जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग को मैं बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये सारे फीचर्स आपने देख लिए, इनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितने तक का होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके बता सकते हैं तो ये स्मार्टफोन की प्राइस लगभग क्या होगी। तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 18,780 रुपये, यानी कि 19,000 से नीचे आपको देखने को मिल जाता है। और ऑफ़र वगैरह लगा के आप इसे 17,000 तक का खरीद सकते हो। तो 17-18 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार स्मार्टफोन मुझे लगा। अब मैं बात करता हूँ इसके नाम की, तो इस स्मार्टफोन का नाम यदि आपने गैस कर लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके बता सकते हो, और यदि गैस नहीं कर पाए तो मैं आपको बता देता हूँ
इन्फिनिक्स ने अभी हाल ही में दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जो कि पहला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स 08i और दूसरा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स 08। तो दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स 08। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा स्मार्टफोन लगा, इसी के सारे फीचर्स बताए मैंने आपको। इन्फिनिक्स 08 काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। यदि आप कोई स्मार्टफोन ऐसा लेना चाहते हो जिसमें आपको सारी चीज़ें एक से एक बढ़ के मिलें, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर से जो है खरीद सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, मुझे कमेंट करके बताना आपके इसका कौन सा सब फीचर ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और या फिर आपको सारे के सारे फीचर पसंद आए। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।